कोई रोड दी हुई है उसकी लीनियर डेंसिटी जो है इसके बराबर है, इसके में सेंटर ऑफ मास और एन में रिलेशनशिप ड्रॉ करना है अप्रोक्सीमेटली। एन की वैल्यू जो है जीरो हो सकती है या पॉजिटिव नंबर हो सकती है, ये बताया हुआ है। तो कोई रोड है उसकी एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी विड्थ कितनी है डी एक्स के बराबर है, इसका मास निकाल लें तो किसके बराबर लैम्डा इंटू डी एक्स होगा, इसकी पोजीशन और सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो डी एम इंटू एक्स अपॉन डी एम इसके बराबर होगा जीरो टू एफ। डी एम की वैल्यू पुट कर देते हैं के एक्स अपॉन एल की पावर एन डी एक्स इंटू एक्स जीरो टू एल अपॉन के एक्स अपॉन एल की पावर एन डी एक्स जीरो टू एल। क्वेश्चन बेसिकली इसी का इंटीग्रेशन है, तो बाहर कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे, ऊपर के आ जाएगा, एल की पावर एन बाहर आ जाएगा, अंदर बचा जीरो टू एल एक्स की पावर एन प्लस वन ठीक है डी एक्स, और जो नीचे है उसमें भी के एल की पावर एन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा एक्स की पावर एन डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी लिमिट्स एक्स की पावर एन प्लस एक बढ़ा देंगे अपॉन टू एन प्लस टू लिमिट्स जीरो टू है अपॉन एक्स एक पावर बढ़ा देंगे अपॉन एन एन प्लस वन की लिमिट्स जो है जीरो टू है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ऊपर से एन वन अपॉन एन प्लस टू और नीचे जो है वन अपॉन एन प्लस वन एक्स, ये ऊपर आ जाएगा एल एन प्लस टू माइनस जीरो, नीचे आ जाएगा एल एन प्लस वन माइनस जीरो। इसको और सिंप्लीफाई करें तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू इंटू एल इसके बराबर हो जाएगा ठीक है। ग्राफ बनाना तो हम क्या करते हैं कि एन की वैल्यू जीरो ले लेते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू पे यहाँ पे एल पे है, ये एल बाई टू पे है, ये एल बाई टू पे है, ये एल बाई टू पे है, एन की वैल्यू जीरो तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है जीरो प्लस वन जीरो प्लस टू इजिकल टू एल एल बाई टू के बराबर होगा, तो ये चॉइस तो गलती होगी ठीक है। अभी तीन चॉइस बची हैं, एक्स की एन की वैल्यू यदि वन लेते हैं तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो किसके बराबर होगा वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू टू बाई थ्री, जो है टू बाई थ्री है, एन की वैल्यू टू लें तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा थ्री अपॉन फोर एल, तो इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर होगी पॉइंट सेवन फाइव, इसको पॉइंट सिक्स सेवन ए पॉइंट फाइव एल, और एन की वैल्यू थ्री लें तो क्या होगा, तो ऊपर फोर अपॉन फाइव एल, ये इनका जो डिफरेंस है ध्यान से देखें तो कम होता जा रहा है पॉइंट एट, एन की वैल्यू फोर लें तो ऊपर फाइव अपॉन सिक्स एल जीरो पॉइंट एट टू फाइव ये बनेगा। एन की वैल्यू इन्फिनिटी लें तो क्या होगा, लिमिट्स एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एन प्लस वन एन प्लस टू एल लिमिट्स के जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं वन लिमिट्स एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वन एन से डिवाइड कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, वन अपॉन टू एल टू एल, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं वन वन अपॉन इन्फिनिटी वन अपॉन टू अपॉन इन्फिनिटी इन टू एल, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो हो जाएगी, नीचे भी जीरो हो जाएगी, वन प्लस जीरो इजिकल टू एल, एल की वैल्यू होगी जो पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो पहले तो तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ का डिफरेंस जो देखेंगे सत्रह है, फिर ये जो डिफरेंस आठ रह गया, फिर फाइव रह गया पॉइंट फाइव रह गया, फिर पॉइंट टू फाइव रह गया, तो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है और फाइनली वैल्यू क्या जाती है एल पे पहुँच जाती है
तो ये तो गलत हो गया, कॉन्स्टेंट है। अभी दो ही चॉइस थी कि जो पहले तो तेजी से बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें नीचे की तरफ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो ये ग्राफ जो ऊपर की तरफ से जाएगा फाइनली इन्फिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू क्या होगी, एल के बराबर होगी। इसमें यहाँ ही पे एकदम बढ़ गई है, पूरी होगी है वैल्यू तो, और नीचे से जा रहेगा ग्राफ ऊपर से जाएगा। तो आंसर चॉइस जो है वो क्या होगी हमारी, ये वाली होगी, सी होगी।